बस आज देखो हमारी छोटी सी बेटी के पैर में देखो क्या हो गया, बबल फुट छाला पड़ गया पैर में। तो अभी मैंने इसकी बैंडेज करी है और ठंड लग रही है इसको। मैं इसको उसके बाहर से कूप से लेके आई हूँ। ओहो वेट, अब इसको मैं, लगता था मुझे बहुत ठंड लग रही है तो मैंने फिर हीट ऑन कर दी है और इसको, बेटा तेरे लिए कर रही हूँ मैं वेट। अभी आज मैंने इसका जो मेडिसिन है वो ऑर्डर करी है ऑनलाइन, और अभी भी नहीं हूँ मैं इस चीज़ में, कुछ पता नहीं है ज़्यादा। कॉल किया था जब मैंने, जिनसे मैंने ली हैं ये चिकन्स लिए हैं मैंने, उन्होंने बोला कि इट्स नथिंग नथिंग टू वरी अबाउट, तो बस थोड़ा गर्म पानी से इसको साफ़ करके, थोड़ा एप्सम सॉल्ट डाल के उसको अच्छे से रहने देना है थोड़ी देर के लिए। मैंने एप्सम सॉल्ट तो नहीं डाला अभी, अभी जब उसकी दूसरी बार उसको मैं दोबारा से क्लीन करूँगी तो मैं डालूँगी, और टी ट्री ऑयल डालूँगी फिर मैं, और फिर इसको अच्छे से साफ़ करके बैंडेड लगा दूँगी। और या कल या परसों तक इसके इसके जो इनके लिए डेडिकेट, इनके लिए अच्छे से, इनके लिए खुद के लिए बनी रहती हैं बैंडेड्स, वो आ जाएंगी। अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया है और शी विल बी ओके वेरी सून, राइट? यू शुड बी ओके, यू हैव टू बी ओके। इतनी मैंने अच्छे से तुम्हारी सेवा करी है आज। हाँ बहुत ज़्यादा बुरा हाल था इसके पैर का आज सुबह जब मैंने देखा, मुझे एक्चुअली पता नहीं था। मेरी बेटी ने मुझे कल बताया कि इसका पैर बहुत सूजा हुआ है, तो मैं नोटिस कर रही थी अकेले अपने कूप में बैठ के, सब बाहर हैं और ये बैठी रहती थी अंदर। तो फिर मैंने सब, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये बात चल रही है। और अगर नहीं पता चलता मुझे एक दो दिन और तक, तो शायद ये इसकी जो क्या कहते हैं इन्फेक्शन है वो बहुत ऊपर तक चले जा चुकी होती और प्रॉब्लम हो जाती फिर, राइट? राइट? एक और है बाहर जो तैयार हो रही है अपने ब्लिस्टर के साथ, अपने बम्बल फीट के साथ। देखते हैं क्या करना है उसका। अभी अच्छे से चल रही है वो, ये तो बेचारी चल ही नहीं पा रही थी, है ना? राइट? वो देखो, लुक एट दैट, लुक एट द कैमरा। अभी जो मैंने इसका छोटा सा टेम्परेरी बेसिस पे बनाया है ना कूप, अभी इसको रूम में जब मैं लेके आई हूँ तो ये देखो, मैंने माइक्रोग्रीन्स मैंने उगाए थे तो मैंने वो इसमें डाले हुए हैं। कहाँ गया, अगर आप देख पाओ तो। माइक्रोग्रीन्स, ये पी माइक्रोग्रीन्स, और इसकी ये मैंने जो इनकी बनी रहती है एक्चुअल फीड रहती है वो है, और थोड़ी सी इसकी बेडिंग बना दी है मैंने, पानी दे दिया है, बस अब लगता है कि अच्छे से गर्म हो गई है ना? रखें तुमको अभी वापस कि बैठना है मेरी गोदी में अभी भी? ऐसे था ना? पंख ही पंख कर दिए तुमने मेरे रूम में। हाँ
ये ऐसे छोटे बच्चे हैं जो कभी ग्रो नहीं होते, कभी भी नहीं। अच्छा है ना, सुनते भी हैं ये, तभी हाथ में आ जाते हैं। हाथ में मतलब मुश्किल से आते हैं, पर जब आ जाते हैं तो फिर बस आ ही जाते हैं, राइट? देखो कैसे शांति से बैठा है, बैठी है। चलो अब हम इसको बिठाएंगे इसके नए वाले जुगाड़ू घर में, और फिर मैं आपको अपडेट दूंगी मे बी दोपहर को, जब इसकी दोबारा से मैं ड्रेसिंग करूंगी। ठीक है, चलो बाय बाय बोल दो।